नमस्कार प्रिय शिक्षार्थी, अपनी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग एक प्रकरण स्थिति में बारिश विधा गति शैली संस्मरणात्मक यात्रा करता हूँ। लेखक कृष्ण नागरी। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में प्रकरण स्थिति में बारिश की मीमांसा करेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, प्रकरण स्थिति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। कृष्णनाथ जी ने स्पीति क्षेत्र की यात्रा की और स्मृति के आधार पर उन्होंने लेख लिखा। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। कृष्णनाथ जी ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसलें, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित है। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। लेखक कृष्णनाथ जी बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लाभ स्पीति जिले की तहसील स्पीति ऊंचे दर्रों व कठिन मार्गों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। इतिहास में इसका उल्लेख कम ही हुआ है। वर्तमान में संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलांग व काजा के बीच संबंध बना रहता है। केलांग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा व बगावत विद्रोह का भय रहता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त रहा है, चाहे कोई भी राजा रहा। इसका कारण कृष्णनाथ जी को यहाँ का भूगोल लगा। भूगोल ही इसकी रक्षा करता तथा संहार करता है। वे लिखते हैं, पहले राजा का हरकारा आता था तो उसके आने तक अल्प वसंत बीत जाता है। जब राजा अपना कोई संदेश अपने संदेश वाहक से प्रजा तक पहुंचाता तो जब संदेश वाहक उस संदेश को लेकर प्रजा तक पहुंचता आधी ऋतु समाप्त हो जाती थी। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे और जोरावर सिंह ने यहाँ के घरों और विहारों को लूटा। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम थी। सन 1901 में यहाँ 3,231 लोग रहते थे, अब यहाँ 34,000 लोग रहते हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला था। अंग्रेजों ने सन 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया था, ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के उन दुर्गम क्षेत्रों दूरस्थ क्षेत्रों में जा सके। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा लोनी बार चलाया जाता था। अंग्रेजी शासन काल में कुल्लू के सहायक कमिश्नर के समर्थन से नोनी तथाकथित राजा काम करता था। स्थानीय लोग इसे ही अपना राजा मानते थे। प्रिय शिक्षार्थियों, लेख स्पीति में बारिश में लेखक कृष्णनाथ जी आगे बताते हैं कि सन 1873 में स्पीति रेगुलेशन में
लाहौरी स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के लोनी राजा को माल गुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का निर्णय करने का अधिकार दिया गया। उससे ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज दिया करता था। सन 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा सन 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया है। कृष्णनाथ जी स्पीति के विषय में आगे बताते हैं कि स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों ओर पहाड़ हैं। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की ओर से आती है तथा किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज नदी में मिलती है। लेखक कृष्णनाथ जी ने पारा नदी पिनकी घाटी के बारे में भी मान भाई से सुना। यह क्षेत्र अत्यंत तीघ्न और वीरान है। यहाँ लोग रहते कैसे हैं? स्थिति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। यह क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं। वे एक फसल उगाते हैं तथा लकड़ी व रोजगार भी नहीं है। फिर भी वे यहाँ रह रहे हैं क्योंकि वे यहाँ रहते हुए आए हैं। यह तर्क से भी परे की चीज है। प्रिय शिक्षार्थी, लेखक कृष्णनाथ जी स्पीति से परिचित कराते हुए बताते हैं कि स्पीति के पहाड़ लाहौल से अधिक ऊंचे, भव्य व नंगे नंगे से अक्षर आवरण रहित है। इस पर वनस्पति का आवरण नहीं है। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। यहाँ हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है और व्यथा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। यह हिमालय का तलुआ तलहटी है। लाहौल समुद्र की सतह से 10,535 फीट ऊंचा है तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा। स्पीति की घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12,000 श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को मानी श्रेणियां कहते हैं।